हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ एक रबड़ बैंड एंड एक डोनट बन की मदद से ब्यूटीफुल हाई बन हेयर स्टाइल एंड बिल्कुल नया है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा फाइनल लुक देखने के लिए। और मेरा वेबसाइट लिंक, लेटेस्ट वीडियोज़ की लिंक एंड सेकेंड चैनल इंस्टाग्राम लिंक की सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके इजीली लिंक पे क्लिक करके मेरे अदर्स ऐप पे जा सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम इंस्टा आईडी लिंक दीजिए, तो प्लीज़ डियर नीचे जाके चेकआउट कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके ईजिली जाके चेक कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम आईडी। प्लीज़ जाइए और वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। वैसे प्रीत तिवारी 24 आप सर्च करोगे तो ईजिली आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टीशन कर ली है एंड इसको हाई पोनीटेल बना लेंगे। गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो गर्मियों के लिए बिल्कुल नया हाई बन हेयर स्टाइल है, वो भी सिर्फ एक रबड़ बैंड एंड एक डोनट बन की मदद से। पार्टी वेडिंग में भी आप इसको बना सकते हो एंड वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी इसको कर सकते हो। मैंने इसको साड़ी के साथ किया है तो साड़ी के साथ भी काफ़ी प्यारा लग रहा था ये। इस तरीके से मैंने इसको कॉम कर लिया है बालों को एंड एक रबड़ बैंड लगाऊंगी। ओके, रबड़ बैंड लगाने के बाद से हम लोग लेंगे यहाँ पे, सॉरी डोनट बन अभी नहीं लगाना है, पहले हम फ्रंट का हेयर स्टाइल कंप्लीट करेंगे। फ्रंट का हेयर स्टाइल करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस साइड से बालों को ऊपर की तरफ पुल कर रही हूँ ताकि मेरा जो रबड़ बैंड में हेयर खींच जाता है तो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कराते हैं, इसलिए मैंने अच्छे से लूज कर लिया रबड़ को। और इस तरीके से फ्रंट से हेयर को लेना है, इस तरीके से दोनों साइड से। ओके, अब इनको ईयर के पीछे इस तरीके से कर देंगे ताकि हमको हेयर स्टाइल बनाने में अनकम्फर्टेबल ना हो। और सेंटर का हेयर है, इसको इस तरीके से रखेंगे। बीच से टू लेयर्स लेंगे, इस तरीके से छोटी छोटी लेयर्स लेनी है, पतली पतली। ओके, तो इस साइड का पतला हो गया, इस साइड का चौड़ा है, तो इसको भी हम लोग पतला कर ले रहे हैं। ओके, अब इसको ऊपर की तरफ करेंगे और क्रॉस कर देंगे सिंपल। ओके, क्रॉस करके दोनों साइड से छोटा छोटा लेयर लेंगे, ऐसे ही क्रॉस करते जाएंगे जितना हमने हेयर निकाला था उतना ही। ओके, काफ़ी प्यारा लगने वाला है, तो एंड तक वॉच कीजिएगा और वेबसाइट पे जरूर जाइए। मेरी वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके प्लीज़ जाइए वेबसाइट पे, उसको भी चेक कीजिए। और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होती है, जो कि आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग ही मैं बताती हूँ, जो चीज़ें यूज करती हूँ कैसा रिजल्ट है वही सारी चीज़ें बताती हूँ। तो आप इजीली यहाँ से बाय करके अपनी स्किन को हेल्दी और अच्छा रख सकते हो। और फिलहाल में मैंने एक डीटेन पैक मंगाया, बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस, अमेजिंग रिजल्ट है उसके। और लगाने पे बिल्कुल ठंडा फील करता है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। अगर वो चाहिए आपको तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड मेरी शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगी, सेकंड चैनल पे शॉर्ट्स वीडियोज अपलोड करते रहते हैं मेकअप से रिलेटेड। अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिएगा। अब साइड से क्या करना है, मैंने सोचा छोटी बना लूँ बट नहीं, सिंपल भी बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इसको सिंपली इस तरीके से कॉम कीजिएगा और ईजी भी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर मैं कोई क्लिप्स वगैरह यूज़ नहीं करी, सिंपली इस तरीके से उठाया बालों को और ट्विस्ट किया। पहले हमने जो चोटी की थी उसको भी रबड़ बैंड के अंदर ही इंसर्ट कर दिया था। इस तरीके से रबड़ बैंड को उठाएंगे और सिंपली इसको ऐसे खींच लेंगे। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से करना है। ओके, ऐसे लिया है, ट्विस्ट करेंगे। उसके अंदर से इस तरीके से खींच लेंगे। ओके, अब हम लोग लेंगे डोनट बन। अच्छे से जो साइड का हेयर है वो लूज नहीं पड़ना चाहिए, टाइट कर लेंगे। एंड अगर कहीं बेबी हेयर निकल रहे हैं तो आप सेटिंग स्प्रे से उसको सेट कर लीजिएगा, क्योंकि एलिगेंट हेयर स्टाइल है। तो अगर फिर को इतने पे पोनी टेल भी हेयर स्टाइल के साथ भी रख सकते हो, बट गर्मियाँ चल रही हैं तो बाल हमारे गर्दन पर पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग सा लगता है। तो उसके लिए आप बन बना लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बन बनाया, सिंपली डोनट बन लगाया है। और जो हम लोग डोनट बन हेयर स्टाइल बनाते हैं, डोनट बन हेयर स्टाइल हम लोग बनाते हैं तो अक्सर हमारा बन जो होता है डोनट बन के लास्ट वाला हेयर स्टाइल बहुत गंदा दिखता है। तो इसमें एक बहुत ट्रिक बता, अच्छा सा ट्रिक बता रही हूँ। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग यूपिन नहीं लगाते, यूपिन लगाइए उसके बाद आप डोनट बन हेयर स्टाइल बनाओगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा, खूबसूरत सा एंड प्रोफेशनल सा लुक आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा लूज पड़ा था हेयर उसको इन करके मैंने यूपिन से
टाइट कर लिए। इस तरीके से करना है, डोनट बन को ऊपर से, डोनट बन के ऊपर से पिन को लेंगे, यू पिन को, और हेयर स्कैल्प के हेयर के साथ कर लेंगे। अब ऐसा करने के बाद हमने तीनों चारों तरफ से पिन लगा दिया है। अब हेयर को डोनट बन के चारों तरफ इस तरीके से फैलाएंगे और एक रबड़ बैंड और लेंगे और इस तरीके से लगा देंगे। ओके, अब क्या करना है, जैसे हमने, अगर हमने यहाँ पे यू पिन नहीं लगाया होता तो जो हमने रबड़ लगाया है वो अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाता, बट हमने यहाँ पे यू पिन लगाया है तो रबड़ अंदर की तरफ इंसर्ट नहीं हो रहा, और जो भी लेयर हम लोग बन पे लगाएंगे वो इस तरीके से दिखाई देगा, जिससे जो हमारे बन का लुक होता है वो काफ़ी प्यारा और अच्छा दिखता है। तो आप भी यू पिन लगा के फिर रबड़ बैंड लगाया कीजिए, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा दिखे। ओके, अब थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेंगे बालों का और इस तरीके से डोनट बन के चारों तरफ, बन के अपने चारों तरफ इस तरीके से लपेटते जाएंगे। और ये देखिए, जो ऊपर से हमारा जो लेयर दिखता है वो हमारे बन को और ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाता है। तो इसी तरीके से यू पिन लगाने के बाद से आप, जब आप लेयर्स को चारों तरफ से लपेटोगे तो बन के अंदर इंसर्ट नहीं होगा और आपके हेयर स्टाइल को काफ़ी अच्छा और खूबसूरत सा लुक देगा। तो आगे से आप भी अगर डोनट बन हेयर स्टाइल बना रहे हो तो ये ज़रूर ट्रिक यूज कीजिएगा, यू पिन से डोनट बन को सेट कर लीजिए, उसके बाद आप कीजिए तो आपका जो हेयर स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा अच्छे से। और ये जो भी बेबी हेयर दिख रहे हैं सेटिंग स्प्रे से ज़रूर सेट कर लीजिएगा, अगर आपको पल्लू वगैरह नहीं रखना है। मैं तो बाहर जा रही हूँ तो मुझे पल्लू लेना है, तो मैंने इतना नहीं लगाया सेटिंग स्प्रे वगैरह। अगर आपको सेटिंग स्प्रे की लिंक चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगी आपको। तो अच्छे से यू पिन लगाइएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल ना हो। ऑलमोस्ट हमारा हेयर स्टाइल जो है वो फाइनल फिनिश होने वाला है। और अच्छे से यू पिन से, बहुत सारी यू पिंस लगा लूँगी क्योंकि मैं वेडिंग में जा रही थी एंड ब्राइडल मेकअप करने के लिए। ब्राइडल मेकअप का वीडियो मेरे उस चैनल पे आ चुका है, प्रीत तिवारी 2 पे, तो जाके देख लीजिएगा कैसा किया है मैंने मेकअप। अगर आपको वो मेकअप मेरे फेस पे देखना है तो वो भी बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेके आऊँगी। तो ये हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया है, दिस इज़ द फाइनल लुक। कैसा लग रहा है ना, बहुत ईजी और बहुत अट्रैक्टिव सा, खूबसूरत सा हाई बन हेयर स्टाइल, वेस्टर्न ड्रेस के साथ, साड़ी के साथ, सूट के साथ, सबके साथ कर सकते हो, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको, आई होप कि पसंद आई हो। मैं यहाँ पे बाय कर दी, फिर मैंने सोचा कि एक बार और आपको दिखा दूँ अपना हेयर स्टाइल, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी कोई हेयर स्टाइल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं वैसा हेयर स्टाइल ज़रूर लेके आऊँगी आप लोग के लिए। तो मेकअप की वीडियोस देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर जरूर जाइए, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मैं इस तरीके से पल्लू रख के और फिर बाहर जाने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।